अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको एक चाट बनाना सिखाएंगे यूजिंग चने एंड आलू, और वो बघारे चना चाट है। तो हम पकाएंगे इसको मसाले के साथ, कड़ी पत्ते के साथ, और फिर किस तरह चाट को हम दही वगैरह के साथ असेंबल करेंगे वो आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हमारे साथ रहिएगा। हम पकाएंगे आज इटालिया कुकिंग ऑयल में। आपको पता है इनका जो प्योर ऑलिव ऑयल है, इनके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है फॉर योर सैलड्स। दे ऑल्सो हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑल दीज लवली आइटम्स। देखें, ऑलिव्स जो होते हैं पिटेड भी मिलते हैं और बीज के साथ भी होते हैं। इन्होंने क्या किया है, पिमेंटो पेस्ट के साथ स्टफ़ कर दिए हैं, ग्रीन वाले जैतून, काले वाले पिट किए हैं, बीज निकाल दिया है। उसके अलावा हाउस ऑफ इटालिया हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड पास्ता एंड स्पगेटी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है। चिकन स्टॉक क्यूब, आज हम चिकन विंग्स बनाएंगे डॉलन्स के सप्लायंस में, उसमें डालेंगे। उसके अलावा मशरूम्स हैं, पीचेस हैं, कंडेंस मिल्क है, चेरीज़ हैं। चेरीज़ नहीं मिल रहे हैं, इटालिया के चेरीज़ हर जगह आपको मिल जाएंगे, सो दैट्स गुड, आई कैन यूज़ इट इन ऑल माई डिज़र्ट्स। और स्वीट कॉर्न मशरूम वगैरह है, ठीक है जी। और डॉलन्स के अप्लायंसेस भी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाज़ वक्त आप लोग मुझे पूछते रहते हैं, वन ऑफ दोज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर कि हम अप्लायंसेस कौन से लें, तो डॉलन्स इज़ द बेस्ट। एंड यू नो कि मैं एयर फ्रायर भी इस्तेमाल करती हूँ, कितनी सारी चीज़ें आपको बनाना हम सिखा चुके हैं। उसके अलावा आज हम माइक्रोवेव में चिकन विंग्स बनाएंगे, स्पाइसी वाले चिकन विंग्स, तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। उसके अलावा जामे शीरी करशी, जामे शीरी गिफ्ट हैम्पर इज़ योर, अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू, हम सवाल भी आपसे पूछते हैं, उसका उसी ब्रांड का करशी का ही स्प्रिंगली नेचुरल मिनरल वाटर है। करशी जामे शीरी दो साइज़ में दस्तयाब है, उसके अलावा इलायची फ्लेवर भी है, जिससे भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अगले हफ्ते बनाना सिखाऊंगी। तो हमारे साथ रहिएगा और इसी तरह सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, सारी ब्रांड्स प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं जब असेंबल करेंगे, तो दही है, सेव है, ठीक है, या पापड़ी भी डाल सकते हैं, कोई भी क्रंची चीज़ हो जिनको से जो आप खरीदते हो, हरा धनिया है। बॉईल करके दो बड़े आलू में लेके आई हूँ। हमेशा आलू जब बॉईल करते हैं चाट वगैरह के लिए, तो हमेशा मेक श्योर कि वो एकदम नरम और मशीनी हो जाएं, थोड़े पीसेस क्यूब्स अच्छे से रहें। तो उसके लिए आप पानी गर्म करिए, उसमें नमक डालिए और आप आलू को पहले काट लीजिए, छील दीजिए, काट लीजिए, क्यूब्स में आप उसको बॉईल करिए, ठीक है। बॉईल करने के बाद काटेंगे तो वो पूरा टेढ़े छेढ़े हो जाते हैं, मशी से हो जाते हैं, तो देखें ये खड़ा खड़ा एक एक क्यूब नज़र आता है आपको। और चने भी जो हैं, चने को भी मैंने पानी में भिगो दिया था, बाज़ वक्त में सोडा डालती हूँ, बाज़ वक्त नहीं डालती हूँ, पूरी रात भिगो के रख दीजिए, सुबह में साफ़ पानी से पहले धोइए और पानी उबाल आए थोड़ा सा नमक डालिए, चने डाल दीजिए, उबाल आए। मैं पता है क्या करती हूँ, 5 से 7 मिनट प्रेशर कुक कर देती हूँ, बेहतरीन नरम इस तरह के हो जाते हैं, ये देखें। आई लाइक के चने बिल्कुल ऐसे नरम हो जाए व्हेन वी ईट, ठीक है, सो दैट्स दैट। अच्छा, पीला सा रंग हमें आज डालना है आलू में, लेकिन मैंने उस वक्त जब बॉईल किया था तब नहीं डाला था, अभी आपके सामने हम डालेंगे, मिक्स करके उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। हरा धनिया है, कड़ी पत्ता है, बिकॉज हम इसको बघार देंगे, और लेमन जूस है, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक है, और ये क्या है, ज़ीरा है, अभी हमने ज़ीरा भून के कूट लिया था, या आप मशीन में पीस लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ट्राई करिएगा। जितनी चीज़ें आप फ्रेश पीस सकें, स्पेशली अदरक लहसुन कुछ मसाले, उतनी ही चीज़ें बेहतरीन बनती हैं, अच्छी रहती हैं। बहुत दिनों पहले वाला अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले पिसे हुए, स्पेशली गरम मसाला, उसका तो खुशबू ही ख़त्म हो जाती है, बाहर का तो लीजिए ही नहीं। चलिए, बातें तो ज़ारनक बहुत सारी करेगी, लेकिन पहले हम कुकिंग की तरफ आ जाएँ। अच्छा, करशी से आज हम क्या बनाएंगे जी, करशी जामे शीरी से आज हम बनाएंगे आइस लॉलीज इन दीज लवली लिटल पॉप्सिकल मोल्स, ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक लो। अब ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज मैं कर देना चाह रही हूँ, विच इज द प्याज। तो हम इटालिया ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ऑलिव पोमेस ऑयल, बेहतरीन, इंपॉर्टेंट, और एक बड़ी प्याज है चॉप की हुई, इसको हम फ्राई कर देंगे और ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप लोगों का वेट करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको करशी जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर जीतना है, तो जल्दी से आप मुझे 888 पे बताएंगे क्या पूछूं, चनों से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक।
मैंने यहाँ इटालिया ऑलिव ऑयल में एक प्याज चॉप करके अच्छी सी ब्राउन कर दी, ताकि मैंने वो इसलिए मैंने कर दिया था ब्रेक से पहले। कड़ी पत्ते इसमें जाएंगे, कड़कड़ाएंगे इस तरह, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे मसाले और टमाटर। ओके, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और कुटी हुई लाल मिर्चें भी जाएंगी। फिर उसके अलावा थोड़ी सी हम हरी मिर्चें डालेंगे, ये हम बाद में डालेंगे चाट मसाला। ये आमचूर है, ड्राई मैंगो पाउडर, ये पहले जाएगा। और चने और आलू बॉईल करते वक्त मैंने नमक नहीं डाला था, नमक भी जाएगा अभी। और वील ऐड द पोटैटोज़, ऑल दो पोटैटोज़ मैं बॉईल करके लेके आई हूँ, लेकिन हम मसाले के साथ पकाएंगे। कोई कॉलर है हमारे साथ? आवाज़ आ रही है मुझे किसी चीज़ की, किसी की? आवाज नहीं आ रही। हेलो जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मुझे ठीक आ रही है। आप तो, मैं भी आपकी रेगुलर कॉलर हो गई हूँ। जी ताकि मैं रोज मेरी कॉल मिल जाती है। जी जी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब दूंगी। क्या जी? चने की दाल का हलवा बनता है, चने का सालन बनता है, अचारी अचारी चने बनते हैं, और चने पुलाव बनती है, चने को बिरयानी में भी यूज किया जाता है, और चना चटनी बनती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इतने मसाले भून लिए कि सबको खांसियाँ आ रही हैं यहाँ, छींकें आ रही हैं। अब हम इसमें चने डाल देते हैं, ठीक है, बॉईल किए हुए। जी सॉरी जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी इनकी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, जवाब आपका हमने नोट कर दिया है। चनों को अच्छी तरह मिक्स करिए, इसमें थोड़ा सा पानी भी हम डालेंगे। मसाला, टमाटर, सब कुछ अच्छी तरह चनों को और आलू को कोट करें, लेकिन बहुत इसको वाटरी नहीं कर दीजिएगा, ओके? अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे और ये ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ। बस एवरीथिंग इज़ डन। ओके, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कलर। आलू बॉईल करते वक्त कलर डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाला था उस वक्त, ठीक है। अगर आप ऐसे ही चने आलू सर्व करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू मेक द चाट, जैसे मैं अभी सिखाऊंगी, है ना। अच्छा सा एक डिफरेंट सा कलर आ गया इसमें। पूरा रिकैप मैं भी करूंगी। सबसे पहले हमने इटालिया का ऑलिव ऑयल गरम किया, उसमें प्याज डाल दी, ठीक है। फिर येलो फूड कलर डाला, आलू और चने गए, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, नमक, ज़ीरा साबुत या ज़ीरा को भून लीजिएगा, पीस दीजिएगा थोड़ा सा, नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर, लेमन जूस, थोड़ा सा पानी, और कड़ी पत्ते भी हमने डाले थे। एंड में आप क्या करेंगे एक डिश में, जैसे कि इस डिश में हम चने निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर सर्विंग करने से पहले हम दही, हरा धनिया, चाट मसाला और हम डालेंगे सेब। व्हाट आई वांट टू डू इन दिस इज टू ऐड डिपिट का चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा, ठीक है। चने ब्लांड अच्छे नहीं लगते, थोड़े से चटपटे से मज़ेदार से होने चाहिए। नाउ दिस इज़ डन। आप लोग आलू और चने दोनों बॉईल करके ही डालिएगा, ठीक है, पकाने नहीं बैठ जाइएगा इस वक्त। बॉईल चने तो एवरी डे किसी ना किसी चीज़ में इफ्तार पे आप खाते ही होंगे, सही है।
नाउ व्हाट आई विल डू इज इसको मैं निकालती हूँ बिकॉज दिस इज डन, इट्स रेडी. चूल्हा बंद. ब्रेक्स आज जल्दी नहीं आ रही. आज मैं सोच रही हूँ ब्रेक ना लूँ. मेरे कॉलर्स कहाँ हैं, उनको याद करिए ना जल्दी से. चलिए लेते हैं ब्रेक. ब्रेक में आपने चने से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम हमें बताने हैं. आप लोग ब्रेक से आएंगे तो फिर इसको कैसे डेकोरेट करते हैं बघारे चने चाट की रेसिपी को, तो वो आपको बताएंगे. स्टे ट्यून्ड. बघारे चना चाट. अच्छा, पीला रंग एक चौथाई चाय का चमचा, पानी हंस पे ज़रूरत, क्यूब में कटे आलू दो अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चपोटले सॉस एक खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्चें आधा चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा एक खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा खाने का चमचा, खुश्क आमचूर पाउडर आधा खाने का चमचा, लीमू का रस एक लीमू का, तेल एक चौथाई कप, चॉप्ड प्याज एक अदद, करी पत्ते 10 से 15 अदद, उबले चने 3 कप, क्यूब में कटे आलू 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे. असम्बल करने के लिए मिट्टी दही हंसपे ज़रूरत, सेव हंसपे ज़रूरत, हरा धनिया हंसपे ज़रूरत. तरकीब: एक पैन में पानी गर्म करके पीला रंग और क्यूब में कटे आलू डालकर इतना उबालें कि आलू नरम हो जाएं. फिर इसे छान कर एक तरफ रख दें. उसके बाद पिसी लाल मिर्च, चपोटले सॉस, कुटी लाल मिर्च, जीरा नमक, चाट मसाला, खुश्क आमचूर पाउडर, लीमू का रस और पानी शामिल करके एक तरफ रखें. फिर तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें. अब कड़ी पत्ते और तैयार किया मिक्सचर डालकर सौते करें. फिर उबले चने शामिल करके मिला लें. उसके बाद आलू, टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर मिक्स करें. आखिर में चने, दही, सेव और हरा धनिया शामिल करके पेश करें. बघारे चना चाट तैयार है. जी वेलकम बैक. यहाँ बघारे चने चाट जो हैं ये दिस इज़ रेडी. ठीक है, नाव फेंट के आपने थोड़ा सा ऊपर दही डालना है. जस्ट बिफोर सर्विंग ये करिएगा. ओके, मैं चाहती हूँ कि थोड़े से चने नज़र आए. फिर उसके बाद हम उस पर डालेंगे थोड़ा सा धनिया एंड थोड़ी सी सेव या पापड़ी या वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग क्रंची ऑन टॉप. ठीक है, और थोड़ा सा चाट मसाला. दैट्स इट, इट्स रेडी. फातिमा है बहावल नगर से. हेलो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ. जार्नक इज फाइन, थैंक यू सो मच. फरमाइए. हाँ जी, दूसरी दफ़ा कॉल मिली है आपके साथ, बहुत अच्छा लग रहा है. आप अच्छा काम कर रहे हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. नई रेसिपी मिलती है हमें देखने को, फिर हमें आइडिया हो जाता है कि हमने ये बनाना है. थैंक यू. बना लेते हैं. सवाल का जवाब दूंगी. जी हाँ जी, चना चाट बनाते हैं हम. फ्रूट चाट में भी चने डालते हैं, पुलाव में भी डालते हैं, मुर्ग छोले भी बनते हैं. तो टिक्कियाँ वो कटलस वगैरह बनाए उसमें भी डाल लेते हैं. थैंक यू, नोट कर दिया है आपका जवाब. बहुत शुक्रिया कॉल करने का. इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ देखिएगा, इफ्तारी एंजॉय करिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. ये है जी इटालिया का चिकन क्यूब. ठीक है, अब हम चिकन विंग्स बना रहे हैं जो हम डॉलन्स के माइक्रोवेव में बनाएंगे. सो व्हाट वी डू इज़ वी डिसॉल्व अ क्यूब फर्स्ट. गर्म पानी है यहाँ, इसमें हम डिसॉल्व कर देंगे इसको. अच्छा, अब एक बोल लेंगे, उसमें हम सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे. ये है लहसुन. ठीक है, ये मैरिनेट कर दीजिएगा चिकन विंग्स और डॉलन्स के प्रोडक्ट में बना लीजिएगा. लेमन जूस, पैप्रिका पाउडर. पैप्रिका से रंग बहुत अच्छा आता है, तेज़ इतना नहीं होता है. लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये बहुत सारी हैं. ओरिगैनो है. ठीक है, ओरिगैनो लीव्स या पाउडर. नमक है. नमक थोड़ा कम डालेंगे इसलिए कि हम क्यूब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इटालिया का चिकन क्यूब.
पानी में जो मिक्स किया है मैंने, पानी दोबारा ठंडा हो गया और इसमें हम चाट ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ठीक है। नाउ यू मिक्स एवरीथिंग एंड जस्ट पुट योर विंग्स, चिकन विंग्स इसमें रख दीजिए, अच्छी तरह मिक्स करिए, फिर आप पाइरेक्स की किसी डिश में रखिए। और उससे पहले हम तेल लेंगे इटालिया का, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा एंड जस्ट ड्रिजल इट ऑन टॉप। ऑलिव ऑयल ज़्यादा भी हो तो कोई ख़राब तो नहीं है, नॉट बैड फॉर हेल्थ, वेरी गुड फॉर हेल्थ इन फैक्ट। और इटालिया का जो क्यूब है देखें, अच्छी तरह गर्म पानी में ये डिज़ोल्व भी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे केचप एंड चिली गार्लिक सॉस डिपिट का, ठीक है। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं डिपिट के सॉसेज मैं यूज़ कर रही हूँ, आई होप आप लोग भी यूज़ करेंगे और फ़ायदा उठाइए। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिपिट ऑन आर शो, और मैं कितने सारे सॉसेज से मैरिनेशन वगैरह भी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बस आप सिर्फ उसको एज अ सॉस डिप करें, यू कैन कुक विथ ऑल दीज सॉसेज। तो इटालिया का ऑयल था, चिकन पाउडर इटालिया का, चिकन पाउडर या चिकन क्यूब डाल दीजिए, लेमन जूस, लहसुन, ज़ीरा था, ओरिगैनो, लाल मिर्चों का पाउडर, पेपरिका, नमक, काली मिर्चें और चिली गार्लिक सॉस और केचप डिपिट का, सब कुछ मिक्स कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए अभी बना के, तो इफ्तारी के लिए तो बेहतरीन हो जाएगा। यू कैन फ्राई दिस, यू कैन कुक दिस इन एयर फ्रायर, यू कैन कुक दिस इन माइक्रोवेव। आज हम डॉलिंस का माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें कोई ग्रीस पीस करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि हम इसमें ऑलरेडी तेल डाल चुके हैं ना, ये हो गया, सो सिंपल। अब इसको आप क्लिंग लगा के या फॉइल लगा के फ्रिज में छोड़ दीजिए 2 से 3 घंटे या इवन ओवरनाइट, एक सिंगल लेयर में रखिएगा ताकि ये पक जाए आराम से, बस दैट्स इट, ठीक है। बफेलो विंग्स ये हैं, यहाँ बफेलो विंग्स अगर आपको क्लियरली नज़र आए, यू कैन सी बफेलो विंग्स इज हियर एंड ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्ट दिस। ओके चलिए, सो अब मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, इटालिया का ऑयल था, इटालिया का चिकन क्यूब था, लेमन जूस, लहसुन क्रश करके या चॉप करके, ज़ीरा, नमक, काली मिर्चें, ओरिगैनो, लाल मिर्चों का पाउडर, पेपरिका और डिपिट का, चिली गार्लिक सॉस एंड केचप, सब कुछ मिक्स कर दीजिए। मैरिनेट करने आप छोड़ दीजिए, कांटे से थोड़ा प्रिक कर दीजिएगा विंग्स को ताकि अंदर तक इसका सॉस, इसका मसाला पूरा जाए, और मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है, मैरिनेट होगा तो जल्दी पक भी जाएगा और अंदर तक फ्लेवर्स जाएंगे। चिकन ड्रमस्टिक्स के साथ भी आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है जी। और डॉलन्स के इस प्रोडक्ट में आप मैरिनेटेड आइटम को रख दीजिए और पका लीजिए। और जो चने थे उसका भी मैं रिकैप कर दूं, मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें डाली थी। पीला रंग डाल के आलू बॉयल कर दीजिएगा, मैंने नहीं डाला था तो आपके सामने डाला था, ठीक है। आलू बॉयल किए हुए थे और चने बॉयल किए हुए थे, और फिर उसमें लाल मिर्चों का पाउडर गया, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा साबुत था उसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया तो बहुत अच्छा टेस्ट उसमें से निकलता है, भूनिएगा पहले ज़रूर। नमक था, ड्राई मैंगो पाउडर यानी आमचूर का पाउडर था, चाट मसाला ऊपर से गया, लेमन जूस गया, थोड़ा सा पानी डाला था, पहले हमने तेल इटालिया का गरम करके उसमें प्याज को सौटे कर दिया था, कड़ी पत्ते हमने डाले थे और ये पूरा मसाला गया था, चने आलू गए थे, उसके अलावा फिर मैंने उसमें टमाटर भी डाले थे, हरी मिर्चें, धनिया था। और फिर आप उसको फ्लैट एक डिश में निकाल दीजिएगा, चनों को बहुत पानी नहीं डालिएगा, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा सॉसी बनाने के लिए, मज़ेदार सा एक टेस्ट आने के लिए, चिली गार्लिक सॉस भी डिपिट का डाला था। फिर प्लेटर पे रखिए, उसके ऊपर दही फेंट के रख दीजिए, सेव या पापड़ी या कोई भी निम्को की क्रंची आइटम ऊपर डाल दीजिए, हरा धनिया एंड चाट मसाला। सो दिस इज़ योर बघारे चना चाट। एंड अब रहता है क्या जी, करशी जामे शीरी की आइस लॉली, ठीक है। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं, अगर आपको जीतना है
ये गिफ्ट हैम्पर मज़ेदार सी जिसमें गिफ्ट्स हैं करशी जामे शीरिंग की तरफ से। तो आपने मुझे बताना है चने से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम लेते हैं ब्रेक, ब्रेक से आएंगे तो हम बहुत ही मज़ेदार सी करशी की आइस लॉली बनाना सिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला TV। स्पाइसी चिकन विंग्स 8 चिकन विंग्स आधा किलो, चिकन पाउडर 1 सैशे, तेल 2 खाने के चम्मचे, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, कुटा लहसुन 1 जवा, पिसा जीरा 1 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पेपरिका आधा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच, केचप 1 खाने का चम्मच। वेलकम बैक। अब हम करशी जामे शीरिंग के साथ आइस लॉलीज बनाना सिखाएंगे जो कल दिखाएंगे आपको, ठीक है। एक बोल में सारी चीज़ें हमने मिक्स कर देनी है, सो जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। चीनी पिसी हुई, करशी जामे शीरिंग और तुक मलंगे के जो बीज होते हैं ना वो मैंने भिगो के रख दिए थे सुबह में, तो देखें ये फूल भी गए पूरे, तो अच्छा टेस्ट आता है इसका, और लेमन जूस थोड़ा सा। उसके अलावा पानी जाएगा इसमें, और यहाँ चिकन विंग्स हमारे पक रहे हैं माइक्रोवेव में डोलन्स के। ये आइस लॉलीज हम बना रहे हैं विद अ लवली टेस्ट ऑफ लेमन एंड जामे शीरी, करशी जामे शीरी एंड पानी एंड चीनी। थोड़ा सा और डालते हैं कुल्फ़ी के मोल्स में, या फिर आइस पॉप के, आइसिकल के, जो पॉपसिकल के जो मोल्स इस तरह के होते हैं उसमें हमने बस निकाल देना है। अब दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है जी। कोरोना वायरस से बचिए, हाथ धोते रहिए साबुन पानी से, बाहर जाएं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहने, मास्क प्लीज़ पहने, बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, दैट्स नॉट गुड, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इट्स नॉट गुड, प्लीज़ मास्क पहने। मैंने भी पूरा टाइम मास्क पहना होता है, सिर्फ मैं शो के वक्त मास्क निकाल देती हूँ। ओके हो गया ये, कौन मरियम है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, आप भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे, ठीक है, रमजान मुबारक। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपको भी, कैसे हैं, क्या, और आप भी, आज का सवाल क्या है? चने से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए। किससे? चने, चने चिकपीज, चने चाट बिरयानी पुलाव और चाट पुलाव और मोज पुलाव, मोज चना, ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी मुझे गिफ्ट चाहिए। अब देखते हैं ना कौन जीतता है, मुझे क्या पता, कुरानदाजी में नाम निकलेगा, देखते हैं किसका नाम निकलता है ना। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। इसको मैं फ्रीज करके जाऊंगी और कल दिखाऊंगी आप लोगों को। ओप्स, ये वाले मोल्स नहीं हो तो कुल्फी के मोल्स में कर दीजिएगा जी। क्या फरमा रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब, आवाज नहीं, नीड टू क्लीन अप। अभी भी वक्त है, एक और ब्रेक है, जल्दी से बताइए मुझे चने से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ओके समर में तुक मलंगा बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, डाइजेशन के लिए, ठंडक के लिए, तो वो ज़रूर डालिएगा आइस लॉलीज में। बच्चों को शायद नहीं पसंद आए, फिर नहीं डालिएगा, मुझे तो बहुत पसंद है, दूध में भी डाल के मैं पी लेती हूँ। चलिए बघारे चना चाट इज़ रेडी, आइस लॉलीज आर रेडी जो करशी जामे शीरी से बनाई थी, और जो डोलन्स के प्रोडक्ट में हमने डोलन्स के माइक्रोवेव में मैरिनेटेड चिकन विंग्स डाल दिए थे वो पक रहे हैं, अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है।
तो ऐसे है कि अब हम लेते हैं एक और ब्रेक, ब्रेक से आएंगे, ज़रा क्लीन अप करेंगे, आपसे बातें करेंगे और आपको बताएंगे कौन जीता कर्शी का ये हैम्पर। तो जल्दी से बताइए चनों से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। आइस लॉलीज, अटसा, लाल शरबत 2 खाने के चमचे, तुखमलंगा 2 खाने के चमचे, पानी हंसपे ज़रूरत, चीनी 1 खाने के चमचा, नींबू का रस 1 खाने के चमचा। तरकीब, तुखमलंगा पानी में भिगो दें, लाल शरबत को भीगे हुए तुखमलंगे में डालें और 30 मिनट छोड़ दें। उसके बाद पानी और चीनी शामिल करें अगर ज़रूरत हो। अब इसे पॉपसिकल मोल्ड में डालकर 1 घंटा फ्रीज कर लें, आखिर में ठंडा पेश करें। Look at these lovely wings. Dolans के माइक्रोवेव में जो हमने पकाई हैं, they are done. ठीक है जी, और बस हम इसको निकाल देते हैं। ये जो लवली सा सॉस है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम रखेंगे इसके ऊपर अभी। ठीक है, आई फॉरगॉट टू पुट सम ग्रीन्स ऑन टॉप, बट इट्स ओके जी। मैं बताती हूँ कि समीना जलील जी क्या बनाएंगी अभी थोड़ी देर में, और उसके अलावा हम ये भी बताएंगे कौन जीता कर्शी जामे शीरिंग का गिफ्ट हैम्पर। ओके, आई नीड टू यूज अ विद इन 15 to 20 मिनट्स ये हो गया है। चिकन विंग्स एट टाइम्स टेक्स टाइम, ये एब्सोल्युटली डन, लवली। अच्छा जी, चिकन जलफ्रेजी और चिकन कढ़ाई धाबा स्टाइल बनेगी लज्जत में। इकरा जीती है मुल्तान से गिफ्ट हैम्पर, एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स फॉर स्टेइंग ऑन आवर शोज़। आई होप आपने रेसिपीज़ नोट की हैं, नहीं नोट की हों तो रात में 1 बजे और सुबह में 8 बजे मेरा शो रिपीट होता है। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे फूड डायरीज़ आपके साथ लाइव है रमज़ान में 3 से 4। ठीक है, देखना मत भूलिएगा, और कल मुलाकात होगी विद लवली रेसिपीज़। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।